जरा HTML5 के किताबी डेफिनेशन को समझिए। यहाँ पे सिंपल शब्दों में डिफाइंड है कि HTML5 HTML का लेटेस्ट वर्जन है। तो क्या इसका मतलब HTML5 भी वही काम करेगा जो HTML4 करता है? नहीं, HTML5 काफ़ी डिफरेंट है HTML4 के मुकाबले, और HTML5 की कोडिंग बहुत एडवांस्ड होती है और यह कंप्लीट एप्लीकेशन बेस्ड होता है। यानी कि HTML5 स्पेशली एप्लीकेशन से रिलेटेड ही काम करता है। जो वर्जन आपने इससे पहले पढ़ा है उसको 4 बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली 4.01 वर्जन के नाम से जाना जाता है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था उसका ईयर इसके बगल में लिखा गया है। HTML4 के बाद XHTML आया, उसके बाद आया आपका HTML5। XHTML उतना फेमस नहीं हुआ और ये उतना सक्सेसफुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है HTML के कोडिंग को सही रूप से लिखने की। जैसे XHTML का पहला रूल है कि आपको एम्प्टी एलिमेंट लॉक करने हैं। एम्प्टी एलिमेंट कौन कौन से है? BR, IMG, HR, इस तरह के टैग्स को XHTML के शब्दों में इस तरह से लॉक करते हैं। लेकिन ये लॉक करना इतना भी कंपलसरी नहीं है कि आप यूज ना करो तो ये काम नहीं करेंगे, इसलिए XHTML वर्जन को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, क्योंकि सिर्फ रूल्स रेगुलेशन के पैटर्न पे है। और इसका रूल्स रेगुलेशन इतना भी स्ट्रॉन्ग या इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसे यूज ना करने पे वेबसाइट्स में प्रॉब्लम आए। इसी वजह से XHTML के रूल्स रेगुलेशन को बहुत कम ही डेवलपर्स फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो करोगे फिर भी वो सही रूप से ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा, नहीं भी फॉलो करोगे आप फिर भी वो ब्राउज़र में सही रूप से डिस्प्ले होगा, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब यहाँ तक तो HTML का काम सिर्फ मार्कअप करना था, लेकिन जहाँ से 5 शुरू हुआ वहाँ से HTML का जो कैपेसिटी है या कोडिंग का क्राइटेरिया है, यानी कि पहले कोडिंग सीमित था HTML4 तक, लेकिन 5 आने की वजह से HTML के शब्दों में काफ़ी एडवांस्ड कामों को किया जाने लगा। इसी वजह से HTML5 4 से काफ़ी डिफरेंट माना जाता है। अब जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि HTML5 कितना डिफरेंट है आपके HTML4 से। अब जरा जानिए कि आप HTML5 में क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहले आप जानोगे HTML के कुछ एडवांस टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। फिर आप जानोगे एडवांस्ड जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बारे में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके अगर आप एप्लीकेशन बनाओगे तो आप कहोगे आपने HTML5 को पढ़ा है। अब जानिए कि HTML5 पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ब्राउज़र के अंदर कई प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं, वो एप्लीकेशंस HTML5 के माध्यम से ही एक्सेस हो सकते हैं। दूसरा, कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसकी मदद से ब्राउज़र के अंदर जो एप्लीकेशंस मौजूद है उसको एक्सेस किया जाए। जैसे कंप्यूटर में हर काम को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है। अगर आपको ड्राइव ओपन करना है तो आप क्या करते हो? दिस PC, यानी कि इस नाम का एप्लीकेशन ओपन करते हो। डिलीट किया हुआ फाइल ओपन करना है तो आप रिसाइकल बिन नाम का एप्लीकेशन एक्सेस करते हो। तो जितने भी प्रकार के काम उतने प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं। सेम उसी प्रकार से एक ब्राउज़र जितना भी काम करता है सभी कामों के लिए ब्राउज़र में अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं। उन्हीं एप्लीकेशंस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए तो HTML5 ही आपके पास एक माध्यम होगा।